पटियाला हाउस कोर्ट राज्य और निर्भया के माता पिता की याचिका पर आज फिर से सुनवाई करेगी। कोर्ट में दोषियों के खिलाफ नए सिरे से डेथ वारंट जारी करने की मांग की गई है। दोषी पवन को अदालत की तरफ से मुहैया करवाए गए वकील पहली बार इस मामले में पवन का पक्ष रखेंगे। तिहाड़ प्रशासन निर्भया के माता पिता चारों दोषियों को जल्द फांसी पर लटकाने के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की मांग इस सुनवाई के दौरान करेंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा तिहाड़ और निर्भया के माता पिता के परिजनों की याचिका पर सुनवाई करेंगे। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने दोषी पवन के केस को पेश करने के लिए सरकारी वकील रवि काजी को नियुक्त किया और इससे पहले पिछले वकील एपी सिंह अदालत में पवन की पैरवी कर रहे थे। तो आज रवि काजी पहली बार दोषी पवन की तरफ से अपनी दलीलें पेश करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या पवन की तरफ से क्यूरेटिव या दया याचिका दायर की गई या नहीं। वहीं दूसरी तरफ निर्भया के पक्ष के वकील दोषियों की फांसी के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की मांग करेंगे। और विशेष संवाददाता अमित दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, आज जो फिर से इस पूरे मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, डेथ नया डेथ वारंट जारी करने की मांग लगातार पीड़ित परिवार कर रहा है। ताजा अपडेट सुनवाई को लेकर, कितने बजे सुनवाई होगी और क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से आज रखी जा सकती है? देखिए, 11 बजे के आसपास जो है वो टाइम रखा गया है और खास तौर पे एक बार फिर निर्भया के वकील पूरी कोशिश करेंगे कि पटियाला हाउस कोर्ट डेथ वारंट जारी कर दे, क्योंकि तीन आरोपी ऐसे हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। चौथे आरोपी जो पवन है, उन्होंने अब तक कोई याचिका नहीं डाली है, लेकिन एक बड़ा ये भी सामने देखने में आ रहा है कि जिस तरह से जो हाईकोर्ट में लंबित याचिका पड़ी है, खासतौर पर जिसमें ये चुनौती हाईकोर्ट को चुनौती दी गई थी कि चारों आरोपियों को एक साथ की जगह अलग अलग फांसी हो, इसे लेके भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और ये सुनवाई 20 फरवरी को है, यानी अब से 3 दिन बाद सुनवाई होनी है। तो एक बड़ा पेच है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले पटियाला हाउस कोर्ट डेथ वारंट जारी कर सकेगा। जी बिल्कुल, और सबसे खास बात यहाँ पर ये अमित रहने वाली है कि जिस तरह से आरोपी मुकेश को नया जो पवन है उसके जो नए वकील हैं वो इस दौरान अपनी दलील रखते हुए उनके बचाव में रखते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज यही है, और हालांकि जो वकील है वो लगातार कोशिश करेंगे कि आज हर हाल में एक अगली तारीख मिल जाए, खासतौर पर डेथ वारंट जारी हो जाए, क्योंकि अब तक पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 तारीखें दी थी जिनमें फांसी नहीं हो सकी और उसके बाद फिर स्टे कर दिया था। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि जो आरोपी है उन्हें कहीं ना कहीं मौका मिला है, पवन जैसे लोग जो है वो अपनी याचिका आगे नहीं डालने हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब डेथ वारंट जारी हो, उसकी तारीख नजदीक आए तब वो याचिका डालें। तो ये सारे चीजें जो है वो वकील जरूर आज पटियाला हाउस कोर्ट में रखेंगे और जाहिर तौर पे जिस तरह से लोग जो है लगातार इंतजार करें, पिछले 7 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, तो एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगा और क्या होता है देखना होगा। लेकिन बड़ी चीज है कि निर्भया के जब वकीलों से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी हर हाल में कोशिश होगी कि आज डेथ वारंट जारी करा दिया जाए। चलिए अमित, आप सुनवाई को लेकर नजर बनाए रखिए, फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए।